विकाराबाद जिला तांडूर पट्टणंलो श्री बालाजी नर्सिंग होम अधिनेता डॉक्टर संपत कुमार एर्पाटु चेसिन उचित मेगा वैद्य शिबिरान्नि कर्नाटक राष्ट्र वैद्य आरोग्य शाखा मंत्री शरण प्रकाश पाटील प्रारंभोत्सवं चेशारु। ई संदर्भंगा मंत्री मात्लाडुतू प्रजलकु वैद्यं अंदुबाटुलोकी तीसुकुरावडं संतोषकरमनि अन्नारु। विलेकरुलु अडिगिन प्रश्नलकु समाधानं इच्चारु। कर्नाटक राष्ट्रंलो रोड्लु रवाणा सौकर्यं कोद्दि रोजुल्लोने मेरुगैन विधंगा प्रजलकु सेवलु अंदुतुन्नायनि अन्नारु। మరోవైపు రానున్న ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్ణాటకలో అమలు చేసిన అనేక పథకాలను అమలు పరిచేందుకు మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచి కర్ణాటకలో మాదిరిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర పిసిసి ఆధ్వర్యంలో విజయం సాధిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు। డాక్టర్ సంపత్ కుమార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నారా అని ప్రశ్నించగా त्वरलो कालमे समाधानं चेबुतुंदनी समाधानं दाटवेशारु। आयन अनुचरुल द्वारा तेलिसिन समाचारं मेరకు डाक्टर संपत कुमार पीसीसी अध्यक्षुडु रेवंत रेड्डितो तांडूर कांग्रेस पार्टी एम्मेल्ये टिकेट निमित्तं संप्रदिंपुलु जरिपिनट्लु विश्वसनीय समाचारं। इदिला उंडगा पार्टी अधिष्ठानं अवकाशं इस्ते పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమని తెలియవచ్చింది। ఈ సమావేశంలో మాజీ కౌన్సిలర్ శ్రీనివాస్ పలువురు నాయకులు ఉన్నారు। कॉर्पोरेशन नहीं रहा है जिन जैसा रोड मिला है वैसे नहीं आगे उसको स्टेट हाईवे बनाए हैं उसको तो इम्प्रूवमेंट के टाइम पे देखें। महिलवार फारेस्ट महिलवार एंड मुदिन फारेस्ट आदल आड़ती आ स्वल्प प्रॉब्लम आद स्वल्प फारेस्टदाग और बंदार रईत इवर फार्मर्स इवरेनो इला नम भूमि अंदर अंतर अद कड़ल नहीं वो क्या है थोड़ा डिस्प्यूट मतलब ये बॉर्डर्स पूरा करेक्ट एनमार्क नहीं है तो बहुत बार ऐसे थोड़ा डिस्प्यूट है जो तांडा है जो बॉर्डर पे कि ये लैंड तेलंगाना में आता है लेकिन अभी उसको जॉइंट सर्वे करके उसको लेकिन ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं भी बोला हूँ क्योंकि वो एक तरफ सर्वे नहीं हो सकता तो जॉइंट सर्वे होना चाहिए। मैं यहाँ पे लोग अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो बात करता हूँ। तो हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन नया स्कीम्स क्या क्या रहेगा जैसे कर्नाटक में मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर और स्किल डेवलपमेंट दो पोर्टफोलियो हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस किए हैं और कर्नाटक में हाईएस्ट मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट में बना रहे हैं। किधर सर? गुलबरगा में बना रहे हैं, मैसूर में बना रहे हैं और बल्लारी में बना रहे हैं। इससे पहले जब हुकूमत में तो हुबली में बनाए हैं और बल्लारी में भी एक नया बनाया। ऑलरेडी 22 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे पास 31 डिस्ट्रिक्स है। 31 डिस्ट्रिक्स में अभी 22 गवर्नमेंट मेडिकल 2 years है, 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उसके अलावा तकरीबन 35 से ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो क्योंकि कर्नाटका में हेल्थ फैसिलिटी बेटर है और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं, इस वजह से अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर रहे हैं, ट्रामा सेंटर्स बना रहे हैं और मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टिकट डॉक्टर संपत साहब को दे देंगे। आने का मकसद क्या है? नहीं यहाँ तो आप फ्रेंडली आए हैं वो एज मैं भी डॉक्टर हूँ एज ए मेडिकल एजुकेशन जी मैंने यहाँ रिक्वेस्ट किया था मैं आए हैं। लास्ट टाइम पूरा मेडिकल और लास्ट टाइम भी मैं 5 साल यही मिनिस्ट्री था मेरे पास। 5 साल में 2013 से 2018 तक मेडिकल एजुकेशन मिनिस्ट्री था, फिर मुझे वही पोर्टफोलियो दिया गया है। उसके अलावा एक स्किल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो